गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, सिंथेसिस। इसका हिंदी अर्थ होता है वाक्य संश्लेषण। वाक्य संश्लेषण, ठीक है, वाक्यों को सिंथेसिस करना यानी मर्ज करना, मिलाना। इसमें क्या होता है कि दो सेंटेंस दिए होते हैं और दो सेंटेंसों को मिला करके हमें एक सेंटेंस बनाना पड़ता है। दो होंगे या दो से अधिक होंगे, उनको मिला करके एक सेंटेंस बनाना होता है। और वो जो सेंटेंस होता है वो या तो सिंपल सेंटेंस होता है या आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है या फिर आपका कंपाउंड सेंटेंस होता है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर आई? या तो आपका सेंटेंस जो बनेगा वो सिंपल सेंटेंस बनेगा या कॉम्प्लेक्स बनेगा या फिर कंपाउंड बनेगा। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में आपकी एक ही फाइनाइट वर्ब आती है। एक ही आपकी कौन सी वर्ब आती है? फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट एक भी आ सकती है, एक से अधिक भी आती है। अब आप सोच रहे होंगे फाइनाइट वर्ब क्या होती है या नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में और कंपाउंड सेंटेंस में, पहले कंपाउंड देख लो। कंपाउंड में आपके निमोनिक आएगा फैन वॉइस, फैन वॉइस। ठीक है, फैन वॉइस, फैन वॉइस ये निमोनिक होता है। इसका फुल फॉर्म होता है फॉर एंड नॉर बट और येट और सो। अगर ये कंजक्शन आपको देखने के लिए मिले किसी भी सेंटेंस में, फॉर एंड नॉर बट और येट और सो, तो वो आपका जो सेंटेंस होगा वो कैसा सेंटेंस होगा? कंपाउंड सेंटेंस होगा। ठीक है, अच्छा, इनके अलावा जो कंजक्शन बचते हैं जैसे कि सिंस है, ऑल्दो है, बिकॉज है, अनटिल है, अनलेस है, वो सारे के सारे कंजक्शन किस में आ जाएंगे? आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। किस में आ जाएंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। इनके अलावा, इनको छोड़कर जो बचते हैं वो आपके आ जाएंगे किस में? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस समझ लेते हैं। सिंपल सेंटेंस बनाने की 8 मेथड होते हैं, 8 विधियां होती हैं, जिनमें से पहली विधि होती है पार्टिसिपल। जिनमें से पहली विधि क्या होती है बेटा? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का मतलब होता है एक ऐसा शब्द, एक ऐसा वर्ड जो हो वर्ब, हो गया आपका वर्ब, लेकिन काम करे एडजेक्टिव का। काम किसका करे? एडजेक्टिव का। वर्ब होता है लेकिन काम किसका करता है? एडजेक्टिव का। बात समझ में आ रही है? पार्टिसिपल का मतलब होता है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब भी होती है पार्टिसिपल भी, तो वो वर्ब होती है, उसका जो रूट होता है वो वर्ब होता है, लेकिन वो काम करती है, एक्शन करती है एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है, अब पार्टिसिपल की बात करें तो पार्टिसिपल आपके 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे किसके बारे में? प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। किसके बारे में? प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसकी हिंदी निकलती है कर, करके और करते हुए। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तीनों जो पार्टिसिपल है ना, वो एडजेक्टिव का काम करते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं कराऊंगा आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रेजेंट पार्टिसिपल के हैं, है ना? और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या लगा के बनता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, आई रीच्ड होम, आई टुक ऑफ माई क्लोथ्स। मैं घर पहुँचा और मैंने अपने कपड़े उतार दिए, मैंने अपने कपड़े उतार दिए। अच्छा, या इस प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है? एक एक्शन होने के तुरंत बाद दूसरा एक्शन होता है, एक एक्शन होने के तुरंत बाद दूसरा एक्शन होता है, कोई गैपिंग नहीं होती। तो देखो, दोनों को अगर मर्ज किया जाएगा, कंबाइंड किया जाएगा, तो कैसे हुआ कि आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा और मैंने अपने कपड़े उतार दिए। तो घर पहुंचकर अब पीछे क्या आ रहा है? कर आ रहा है। कर आए तो आपका कौन सा पार्टिसिपल हो जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना? दोनों एक्शन पैरेलल कंडीशन में हो रहे हैं, यानी एक के बाद दूसरा एक्शन हो रहा है, तो आप इसको बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल से। रीचिंग होम, घर पहुंचकर आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखो, द थीफ सॉ द पुलिसमैन। चोर ने पुलिस को देखा और ही रहने भी, आई नहीं आएगा यहाँ पे, ही आएगा, ही रहने भी, वह भाग गया।
चोर ने पुलिस को देखा और वह भाग गया, तो देखने के तुरंत बाद भागा हुआ ना, देखने के तुरंत बाद भागा हुआ, तो ये एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हो रहा है तुरंत, तो इसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सीइंग द पुलिसमैन, पुलिसमैन को देखकर। अब यहाँ ही जो प्रोनाउन है ना उसको नाउन से रिप्लेस कर देंगे, ही की जगह पे लिख देंगे यहाँ क्या, द थीफ रेन अवे, ठीक है। सीइंग द पुलिसमैन यानी पुलिसमैन को देखकर द थीफ रेन अवे, जो थीफ था वो रेन अवे, रेन अवे मतलब भाग गया, क्लियर। चलो इस वाले सेंटेंस को देखो, आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, आई टुक माई फूड, मैंने अपना भोजन लिया, तो भूखा होने पर मैंने अपना भोजन लिया। अब यहाँ पर देखो वॉज आ रहा है, क्या रहा है, वॉज आ रहा है, वॉज की आईएनजी फॉर्म तो होती नहीं है, आप इजिंग वॉजिंग ऐसे तो कर नहीं सकते हो, तो ये वॉज होती है ना वो बी वर्ब होती है, क्या होती है, बी वर्ब होती है, तो बी वर्ब में आईएनजी लगा देंगे तो आपका हो जाएगा बींग, क्या हो जाएगा, बींग हंग्री, बींग हंग्री आई टुक माई फूड, क्लियर। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखो, शी वॉज टायर्ड, सी ले डाउन टू टेक रेस्ट। और यहाँ पर जो टायर्ड है ना वो एडजेक्टिव है, जैसे यहाँ पर ये एडजेक्टिव था, ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। यहाँ पर ये स्टेट बता रहा है सी की, सी की स्टेट बता रहा है कि वह कैसी थी, वह थकी हुई थी, है ना। तो यहाँ टायर्ड क्या है, एडजेक्टिव। इसका जब हम सिंथेसिस बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल से तो कैसे बनेगा, बींग टायर्ड, बींग टायर्ड सी ले डाउन टू टेक रेस्ट, टू टेक रेस्ट। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को आपको ध्यान रखना है कि दो सेंटेंस आएंगे और दोनों सेंटेंस में एक एक्शन के बाद तुरंत दूसरा एक्शन होगा, तो जो एक्शन पहले होगा उसको आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म में बनाना पड़ेगा, क्लियर। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं पास्ट पार्टिसिपल। चलिए अब आपको पास्ट पार्टिसिपल बताता हूँ। पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि होगा तो वर्ब लेकिन वो एडजेक्टिव का काम करेगा, होगा तो वर्ब लेकिन वो एडजेक्टिव का काम करेगा। जैसे एक एग्जांपल लिख दूँ मैं यहाँ पे, अ चाइल्ड वाज बर्नड, ही ड्रेड्स द फायर, ठीक है, देखो ध्यान से, अ चाइल्ड वाज बर्नड, एक बच्चा, बर्नड मतलब जला हुआ है, एक बच्चा जला हुआ है, ही ड्रेड्स द फायर, वह ड्रेड्स माने डरता है, किससे, फायर से, एक बच्चा जला हुआ था और वह जला हुआ है, अ चाइल्ड इज बर्नड, एक बच्चा जला हुआ है, ही ड्रेड्स द फायर, वह आग से डरता है, तो एक जला हुआ बच्चा आग से डरता है ना। ये जो बर्नड है वो स्टेट बता रहा है किसकी, चाइल्ड की, तो इस बर्नड को चाइल्ड के साथ लिख देंगे, कैसे लिख देंगे, अ बर्नड चाइल्ड, अ बर्नड चाइल्ड यानी एक जला हुआ बच्चा, एक जला हुआ बच्चा ड्रेड्स द फायर, आग से डरता है, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल हो रहे हैं आपके साथ। पहला एग्जांपल है दिस इज अ कप, यह एक कप है, इट इज ब्रोकन, यह टूटा हुआ है, यह टूटा हुआ है। अब ये जो ब्रोकन है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म है, जो कि एडजेक्टिव का काम कर रही है, और ये एडजेक्टिव किसके लिए आ रहा है, कप के लिए, किसके लिए आ रहा है, कप के लिए, यानी टूटा हुआ है, टूटा हुआ कौन है, इज ए दिस या कप, कप है ना, तो इस ब्रोकन को कप के साथ लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, दिस इज अ ब्रोकन कप, दिस इज अ ब्रोकन कप, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, आई फाउंड माई पेन, मुझे अपना पेन मिल गया, इट वॉज लॉस्ट, यह खो गया था, यह खो गया था, यह खोया हुआ था, तो जो खोया हुआ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो किसकी स्टेट है, पेन की स्टेट है, किसकी स्टेट है, पेन की, यानी खोया हुआ कौन था, पेन था, तो इस लॉस्ट को ना पेन के साथ लिख देंगे, तो आप कैसे बनाएंगे, आई फाउंड, मुझे मिल गया माई लॉस्ट पेन, अपना खोया हुआ पेन, क्लियर, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, मुझे अपना खोया हुआ पेन मिल गया, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, आई हैड ए कोट, मेरे पास एक कोट था, इट वॉज टॉर्न, यह पटा हुआ था, टॉर्न यहाँ पर टीयर की थर्ड फॉर्म है, टीयर की थर्ड फॉर्म है टॉर्न, तो मेरे पास एक कोट था वह फटा हुआ था, अब ये फटा हुआ किसकी स्टेट है, कोट की, तो कोट के साथ लिख देंगे, तो आंसर बनेगा आपका कैसे, आई हैड अ टॉर्न कोट, आई हैड अ टॉर्न कोट, क्लियर। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, आई सॉ सम ट्रीज, मैंने कुछ पेड़ देखे, आई सॉ सम ट्रीज, मैंने कुछ पेड़ देखे, दे वर लेडेड विद फ्रूट्स, वे लदे हुए थे, लेडेड का मतलब होता है लदे होना, है ना, लेड की थर्ड फॉर्म है ये, लेड की कौन सी फॉर्म है,
थर्ड फॉर्म है वे लदे हुए थे किससे, फलों से, फूलों से, वे फूलों से या फलों से लदे हुए थे, फ्रूट्स का मतलब फल, वे फलों से लदे हुए थे। तो मैंने देखे क्या देखे, पेड़ देखे जो किससे लदे हुए थे, किससे, फ्रूट से। तो आप इसको बनाएंगे आई सॉ सम ट्रीज लेडेड विद फ्रूट्स, लेडेड विद फ्रूट्स। अब आप सोच रहे होंगे ये जब ये आपका फ्रेज दिया हुआ है पार्टिसिपल फ्रेज, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, जब ये आपका दिया हुआ है तो आपने ट्री से पहले क्यों नहीं लगाया। तो आपको ध्यान रखना है जब एक शब्द हो, एक अगर केवल वर्ड हो तो वो आपका नाउन से पहले आएगा, नाउन से पहले, लेकिन अगर वो फ्रेज दिया हुआ आपका तो वो नाउन के बाद आएगा, तो वो नाउन के बाद आएगा, ठीक है। तो मैंने आज आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों करा दिए, और आई होप आपको समझ में आ गए हों, इसकी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं घर पे। परफेक्ट पार्टिसिपल किसी और वीडियो में कराएंगे, आज के लिए केवल अच्छा ही इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। आज के लिए केवल इतना ही, जय हिंद जय भारत।